हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रेया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पार्ट टू, अभ्यास सागर चैप्टर वन, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा पार्ट टू है। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है 7th क्वेश्चन से। हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई लहर ना रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्प के हम सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं, कभी ना बाधाओं के आगे पांव हमारे हारे, तूफानों को तौल चुके हम सब जाने पहचाने हैं, भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के, फिर क्यों किसी आँख में आंसू बस आकर अछल के। फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा जो यहाँ पर लिखा गया है, एक कविता, उसको पढ़ना। और अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है? प्रथम पंक्ति में लहर का अर्थ है बाधा। नेक्स्ट है हमारा, मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं? मंजिल के दीवाने संकल्प के सागर और साहस के ध्रुव तारे हैं। अब देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तूफानों को तौल चुके हम का आश्चर्य क्या है, आश्रय क्या है? फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि तूफानों को तौल चुके हम, इस लाइन का मतलब क्या है, आश्रय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत बड़ा है तो आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, दो लाइनों में ये पूरा आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम इसका आंसर देखते हैं। तूफानों को तौल चुके हम का आश्रय है कि हम सफलता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का बोध है, कि हमें आने सफलता में आने वाली कठिनाइयों का बोध है, मतलब जो भी सफलता के रास्ते आएगी, हमें कठिनाई, उसको हमें पता है कि वो आएगी, इस मतलब है कि तूफानों को हम तौल चुके। किसकी आंखों से आंसू क्यों नहीं छलके चाहिए, छलकने चाहिए? किसी के आंखों से आंसू नहीं छलकने चाहिए, क्योंकि ये दुख और कमजोरी की निशानी होती है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट है हमारा, भाग्य को मुट्ठी में कैसे लिया जा सकता है? तो इसका आंसर है, भाग्य को मुट्ठी में करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होते हुए लक्ष्य को न प्राप्त हो जाने तक प्रयास करना होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना आओ दोहराए में जो हमारा पुराना है, जैसे अर्थ लिखने वाले अकर्मक सकर्मक जो हमने पहले पढ़े थे, ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे जो हमने 7th में पढ़े थे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन 8 है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। फ्रेंड्स, समान अर्थ मतलब पर्यायवाची, सेम मीनिंग वाले। तो गगन को हम नभ भी बोलते हैं और आसमान भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ख है हमारा जल, जल को हम पानी और नीर भी बोलते हैं। तरु मतलब वृक्ष और पेड़, वृक्ष पेड़ हम तरु को बोलते हैं। फिर आता है हमारा अरमान को और भी रूपों में बोलते हैं, जैसे इच्छा और अभिलाषा। फिर है हमारा किरण, अंशु और रश्मि। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा विघ्न, विघ्न मीन्स बाधा और कठिनाई, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था अपने जो अभी हम कर रहे थे 7th क्वेश्चन में, एक पोयम थी हमारी। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम अपना 9th क्वेश्चन। हमारा 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को कोष्टक में दिए शब्दों के विलोम शब्द द्वारा पूरा कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो यहाँ खाली जगह दी गई हुई थी और ये हमारा हेल्प बॉक्स दिया गया था, इनका जो दंड है तो हमें इसका उल्टा लिखना था।
तो सबसे फर्स्ट है हमारा, मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर डैश मिला, तो यहाँ लिखा है दंड, तो होगा पुरस्कार। हमें पीठ पीछे किसी की डैश नहीं करनी चाहिए। स्तुति, निंदा, हमें सदा समय का डैश करना चाहिए। दुरुपयोग, सदुपयोग, चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में डैश की लहर दौड़ गई। विषाद, और तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हर्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है हमारा, आप संयुक्त अक्षर और हल चिन्ह वाले शब्दों से भली भांति परिचित हैं, निम्नलिखित शब्दों को दोनों तरीके से लिखिए। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर सेम वर्ड होंगे लेकिन हमें उनको दूसरे दूसरे फॉर्म में लिखना है फ्रेंड्स। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट है हमारा चिन्ह, तो चिन्ह, ब्रह्मा तो ब्रह्मा, गड्ढा गड्ढा, मिट्टी मिट्टी, विद्यालय विद्यालय, विद्वान विद्वान। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, हमारा नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th है हमारा, कनक तीलियों से टकराकर मेट कनक का क्या है, अर्थ क्या है, का अर्थ है सोना, किंतु कनक का एक अर्थ अनाज गेहूं भी है। निम्नलिखित शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जो कनक तीलियाँ हैं उनको हम सोना भी बोलते हैं फ्रेंड, जिसको मैंने बोला था अभी कि क्या बोलते हैं वो मैंने गलती से बोल दिया था, उसको हम सोना बोलते हैं और कनक को हम गेहूं भी बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ पर बताना है, जैसे यहाँ हार है, तो हार दो तरीके की होती है, एक माला, हीरो का हार और मोतियों का हार, और एक हारना, जैसे वो खेल में हार गया, वो उससे हार गया। तो इसको देखते हैं अब हम, माला वाला हार है, नेताजी की मूर्ति को फूलों की माला पहनाई गई। नेक्स्ट देखते हैं हारना, खेल में हारना जीतना लगा रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप नेताजी की मूर्तियों को फूलों की माला पहनाई गई के अलावा दूसरा भी कुछ और लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है उत्तर। उत्तर मतलब एक दिशा होती है, जिसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और जवाब सवाल जवाब वाले भी एक उत्तर होता है, इस सवाल का उत्तर दो। वैसे तो दिल्ली उत्तर दिशा में है, और अब देखते हैं हम उत्तर जवाब, मुझे इस सवाल का जवाब पता है। नेक्स्ट है हमारा अंक, गोद और संख्या। फ्रेंड्स दो तरह की अंक होती है, एक गोद और एक संख्या, तो बच्चा माँ की गोद में सोया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अंक, ये संख्या वाला अंक है, मेरी स्कूल की कर्म संख्या 13 है। अब हम देखते हैं अपना 12th। 12th है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उनके भेद भी लिखिए। वाक्य, धोबी ने कपड़े धोए, तो इसमें क्रियापद हमारी है धोए और भेद है हमारा सकर्मक। वैसे ही नेक्स्ट आता है, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो क्रियापद है दौड़ और भेद है हमारा अकर्मक। नेक्स्ट है हमारा, मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, तो क्रियापद है पढ़ी, भेद है हमारा सकर्मक। नेक्स्ट है, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, क्रियापद है बांटे और भेद है हमारा सकर्मक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अचानक आंधी आई, तो क्रियापद है आई और भेद है हमारा सकर्मक। फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा हमारा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर 1 का। अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैप्टर को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैप्टर को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।